अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए बच्चों, अब हम हमारे अगले मौजू पर नजर डालते हैं, जिसमें हमारा आने वाला नेक्स्ट पॉइंट है माहौलियाती तहरीक। माहौलियाती तहरीक यानी क्या? इस तहकीक से हम बाखूबी वाकिफ है कि माहौलियात की तनजुली आज के जमाने में एक कौमी और बैनुल अक़वामी सतह का संगीन मसला बनता जा रहा है। माहौलियात की बर्बादी को रोकने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर भी कई तहरीकें सरगर्म अमल अंजाम दे रही हैं, और इस शोबे में बैनुल अक़वामी ताउन भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, भारत में भी माहौलियात के मुख्तलिफ मौजूआत को तरजीह देते हुए कई तहरीकें शुरू हुई, जैसा कि हयातियाती तनों का तहफ़, पानी के मुख्तलिफ मंबों का तहफ़, जंगलाती गलाफ, दरियाओं की आलूदगी, सब्ज पट्टे का तहफ़, कीमियाई मादों का इस्तेमाल और उनके खराब असरात वगैरह वसाइल की यकसुई के लिए तहरीकें जारी हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा माहौलियाती तहरीक। चलिए बच्चों, इसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट है सार्फिन की तहरीक यानी ग्राहकों की तहरीक। 1986 में तहफ़ सार्फिन कानून वाजे किया गया यानी जारी किया गया। इसके बाद सार्फिन की तहरीक, इस तहरीक का आगाज हुआ। इस तहरीक के मकासिद वसी है यानी बड़े हैं। समाज का हर तबका सारिफ होता है यानी ग्राहक होता है। निजाम मईशत में तब्दीलियां और समाजी निजाम बदलने की वजह से ग्राहक मुतासिर होते हैं। जिसकी वजह से ग्राहक मुतासिर होते हैं, उन्हें मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है, जैसे अशिया में मिलावट, चीजों की बढ़ती हुई कीमत, वजन और नापतोल में फरेब दही वगैरह। इस किस्म की धोखेबाजी से ग्राहकों को महफूज रखने के लिए सार्फिन की तहरीक वजूद में आई।